हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि आपकी ग्रुप डी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या नया आपका नोटिस आया। उससे पहले जितने भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और अगर आप HSSC के प्रीवियस के पेपर्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड करने के अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है HSSC के टेस्ट की, तो लगभग आपको 41 के आसपास प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, तो आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, तो डाउनलोड कर लेना। तो चलिए डिस्कस करते हैं नोटिस जो कि आपका ग्रुप डी से रिलेटेड है। सो दोस्तों, ये पूरा लेटर आपके सामने है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ये आया प्रिंसिपल GITI मोजाबाद की तरफ से। तो यहाँ पर ये आया टू द फारूक नगर जो कि आपका गुड़गांव में। डेट देख सकते हो यहाँ पे 9/6/2020 और विषय यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य ग्रहण करने के बारे में। तो मैं आपको डिटेल में पढ़ के बताया था तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा क्या लिखा हुआ है इस नोटिस में। सो नोटिस कंप्लीट आपके सामने, यहाँ पे लिखा हुआ कि उक्त विषय पर आपको अवगत कराया जाता है कि कर्मशाला परिचर के पद पर राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान मोजाबाद में कार्य ग्रहण करना था तथा आपने आज दिनांक 9/6/2020 तक कार्य ग्रहण नहीं किया। मतलब आज आपको ज्वाइनिंग करनी थी लेकिन आज आपने ज्वाइन नहीं किया। अतः निर्देशालय के अनुसार अगर आपने अपने कार्य ग्रहण करना है तो आप दिनांक 19/6, मतलब अब इनको 10 दिन और दे दिया, 19 जून 2020 के पहले पहले अपना मेडिकल मतलब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो और मेडिकल चेकअप करवाने के उपरांत कार्य ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपने दिनांक 19/6/2020 तक कार्य ग्रहण नहीं किया तो आपकी सूचना शून्य मन सूचना शून्य समझते हुए, ये थोड़ी सी राइटिंग ऐसी है तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सूचना शून्य समझते हुए केस निर्देशालय भेज दिया जाएगा, यह आपको सूचनार्थ है। ठीक है, ये आपको सूचना दी जाती है। तो इसका आप सीधा सा एक ही मतलब निकाल सकते हो कि जो आपकी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आने वाली थी वो अब 19 तारीख के बाद आएगी, क्योंकि ये लेटर इस पर्सन को मिला और पर्सन का नाम ऊपर हाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि इनको 19 तारीख तक का टाइम मिला है, 10 दिन का और टाइम मिल गया, तो 19 तारीख से पहले अब ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड जितने भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।